नमस्कार दोस्तों, कुकिंग राजस्वेता किचन में आपका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेथी के लड्डू बनाना, वो भी बिना चीनी के। बहुत ही अच्छे बनते हैं ये और बहुत ही अच्छे तरीके से आज मैं बनाऊंगी ये मेथी के लड्डू। बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और बिना चीनी के बनाएंगे लड्डू। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, जैसे घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द होता है ना, सब ठीक हो जाता है। इसे युवा ही नहीं बड़े बुजुर्ग भी खा सकते हैं जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। तो आप इस लड्डू को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छे बनेंगे ये। तो कैसे बनाए जाते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये 150 ग्राम मेथी दाना लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अभी मिक्सी के जार में इसे डाल देंगे। अभी ढक्कन लगा देते हैं और इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है, दरदरे से थोड़ा सा ज़्यादा इसका पाउडर बनाएंगे। अभी इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आएगा इनके अंदर। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने दूध लिया है। ये दूध मैंने पहले बॉईल कर लिया था, ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर ये दूध हम डालेंगे। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम मेथी ली तो थी ना, तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम इसके अंदर ये दूध डाला है। दूध डालने से क्या होता है, जो मेथी का कड़वापन होता है ना, वो बिल्कुल नहीं आएगा लड्डुओं में। तो दूध ये फ़ायदा करता है। तो अब यहाँ पर मैंने 200 ग्राम इसके अंदर दूध डाल दिया है। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ढक देते हैं। तकरीबन 4 घंटे तक इसे रेस्ट करने देंगे। तो अभी 4 घंटे से रेस्ट करने देते हैं। उसके बाद देखिए, 4 घंटे हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाते, देखिए जो मेथी है ना, उसने दूध को पूरी अच्छी तरह से सोख लिया है। देखिए बिल्कुल इसमें सारा दूध मेथी ने सोख लिया है। अभी इसे साइड रख देंगे। अभी यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ मसाले लिए हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है, इनके अंदर डालने से दुगना फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गोंद लिया है, ग्राम से में देखे तो ये 20 ग्राम है। और ये मैंने 20 ग्राम ही चिरौंजी ली है। चिरौंजी के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये भी बहुत ही फ़ायदा करेगी। और यहाँ पर मैंने ये सफ़ेद मिर्च ली है, जो काली मिर्च होती है एक तो, और ये सफ़ेद मिर्च होती है, ये भी बहुत ही लाभदायक होती है। और यहाँ पर मैंने ये दालचीनी का टुकड़ा लिया है और ये लौंग लिए हैं कुछ। और यहाँ पर मैंने ये सूखा जो नारियल आता है ना, उसको मैंने पीस लिया था। अभी ये देखिए, यहाँ पर ये पीपर होती हैं, देखने में कुछ ये ऐसी होती हैं, ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे कोई भी हमारे शरीर में दर्द होता है उसे दूर करती हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये सौंठ का पाउडर लिया मैंने, 2 से 3 चम्मच। अभी यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा लिया है एक कटोरी। और ये लेंगे हम गुड़, इसमें चीनी का बिल्कुल भी यूज नहीं करूँगी मैं, इसमें सिर्फ गुड़ डालेंगे, जो कि बहुत ही हेल्दी होंगे लड्डू गुड़ डालने से। अभी यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अभी इसके अंदर 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, देसी घी में ही आप बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने मेथी को दूध में भिगोया था ना, उसे डाल देंगे। सबसे पहले उसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे। जो ये चिपकती है कढ़ाई में, तो थोड़ा कड़छी को चलाते रहें और आँच को बिल्कुल मीडियम लो रखें। और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे पकने में। तो अच्छी तरह से मेथी को पका लेना है। यदि ये कच्ची रहेगी तो खाने में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा लड्डू का। तो इसे बहुत ही अच्छे से पका लेना है, कड़छी से हिलाते रहना है, क्योंकि ये नीचे लगती है, क्योंकि हमने इसके अंदर दूध डाला ना, तो दूध डालने की वजह से ना ये नीचे तली में लगती है कढ़ाई में। अभी ये देखिए, यहाँ पर 10 से 11 मिनट हो चुकी है मुझे। अभी भी इसे 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अभी ये ड्राई होने लगी है ना, तो इसे बहुत ही अच्छे से, जो दूध डालना है उसे, दूध को ना अच्छी तरह से सुखा लेना है। देखिए ऐसे, क्योंकि हमने लंबे समय तक लड्डू को रखना है, तो दूध जो डाला ना उसे अच्छी तरह से सुखा लेना है। अभी ये देखिए, अच्छी तरह से भून चुकी है मेथी। अभी इसे हम एक बर्तन में निकाल देंगे और इसे साइड रख देंगे। ये दूध डालने से ना बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आता है। आप एक बार इस तरीके से जरूर बना के देखिएगा। अभी यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई ली है, उसमें 1 कटोरी मैंने ये गेहूँ का आटा लिया है। तो आटे को अच्छी तरह से पहले भून लेना है। अब ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुकी हैं और आटे का कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो चुका है और खुशबू भी आने लगी है। ये आटा अच्छी तरह से भून चुका है, देखिए। अब इसे भी मेथी के अंदर हम डाल लेंगे। इसमें गेहूं का आटा ज़रूर डालें थोड़ा सा,
आप इसे हाफ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालें इसके अंदर। जितनी मेथी है उतना ही आटा डालें तो अच्छा रहता है। अभी यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है फिर से। अभी इसमें क्या करना, जो गोंद लिया है ना हमने, गोंद को इसमें डाल देना है और गोंद को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये फूलने लगेगा ना तब तक इसे भूनना है। गोंद के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द और हड्डियाँ भी मजबूत करता है गोंद, तो गोंद भी ज़रूर डालें इसके अंदर। और मैंने वैसे भी गोंद के लड्डू बनाने की वीडियो भी शेयर की है आप लोगों के साथ, वो भी मेरे आई बटन पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये लीजिए, गोंद भी अच्छी तरह से भून दिया हमने, निकाल लिया है। अभी यहाँ पर बादाम भी डाल दिए हैं बचे हुए घी में। बादाम को भी हम रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक, और बादाम को भी निकाल लेंगे। ये देखिए, अभी ये जो बचा हुआ घी है और गैस को बंद कर दिया मैंने, अब ये थोड़ा सा इसे भी भून लेंगे। जो हमने नारियल का बुरादा लिया ना, नारियल सूखा नारियल पिसा हुआ, उसे बिल्कुल गैस बंद कर दिया मैंने, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है ना, उसी में ये अच्छी तरह से भून जाएगा। अभी ये भी हम मेथी के अंदर डाल देंगे, देखिए ऐसे। अभी उसी कढ़ाई में यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल दिया है। अभी घी गर्म होने के बाद इसमें हम गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये गुड़ 250 ग्राम लिया है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला इसके अंदर। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन 250 ग्राम में बहुत अच्छे से बन जाएंगे लड्डू। जो ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं ना, उनके लिए 250 ग्राम बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे आप इसमें 200 ग्राम डालेंगे वो भी ठीक रहता है। अब ये देखिए, अच्छी तरह से गुड़ को मेल्ट कर लिया ना, उसके बाद ये सारी मेथी आटा और जो ये हमने नारियल का बुरादा डाला था ना, सारा इसके अंदर डाल देंगे। देखिए ऐसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए अब ये गर्म है, अच्छी तरह से गर्म है, तो गर्म गर्म में ही इसे अच्छी तरह से मिला लें, और ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो ये आप ध्यान रखें, अच्छी तरह से इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर लें। अभी हमने इसके अंदर मसाले भी नहीं डाले हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का छोटा जार लिया है, तो मैं इसमें हम मसाले पीसेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सफ़ेद मिर्च डाल दी है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो ये भी आप ज़रूर से डालें। पीपर डाल देंगे इसमें, मैंने आधी रख ली, आधी डाली पीपर। और ये मैंने चिरौंजी डाल दी है, और ये सौंठ का पाउडर, और ये लौंग डाल दी है मैंने। आप इसके अंदर 2 से 3 इलायची भी डाल सकते हैं। अभी ये देखिए सारे मसाले पीस चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं। जो हमने मेथी और ये सारा जो मिक्स किया ना, उसी के अंदर ये पाउडर बनाकर डाल लेंगे। अब ये गोंद है जो, और ये बादाम है, इनको भी हम दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे पर भी कूट सकते हैं थोड़ा सा दरदरा, या फिर आप मिक्सी में डालकर इसे दरदरा पीस लें, या गोंद को आप ऐसे ही जैसे कोई भी गिलास से ऐसे ही तोड़ सकते हैं इसके जो ये पीस हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे मिक्सी में डालकर पीस लूँगी दरदरा सा। अभी ढक्कन लगा देंगे, चलिए पीस लेते हैं इसे भी। तो देखिए मैंने यहाँ पर बादाम और ये गोंद को भी पीस लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। बहुत सारे लड्डू बन जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 150 ग्राम ये ली थी ना मेथी, तो इसे तकरीबन 25 से 30 लड्डू बन गए थे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसके लड्डू बनाएंगे। जब ये नॉर्मल थोड़ा सा गर्म रह जाए ना, जैसे छूने लायक, तो जब इसके लड्डू आप बना लें। छोटे लड्डू ही बनाएंगे तो अच्छा रहता है, तो इसके ऐसे लड्डू बना लेंगे, बहुत ही फायदेमंद होते हैं दोस्तों। जैसे छूमंतर हो जाता है, जोड़ों का दर्द भी, और जैसे कब्ज की शिकायत होती है वो भी दूर होती है, और जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होते हैं लड्डू। और जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उसके लिए भी ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद है, और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं लड्डू। तो जी ले जी दोस्तों, यहाँ पर सारे लड्डू वैसे ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।